तो इसका इंजन खोलने का रीजन हो गया, कुछ दिन पहले इसका टर्बो चेंज किया था हम लोगों ने, वो टर्बो जो है करीब करीब एक 1.5 महीना 2 महीना का करीब गाड़ी रनिंग हुआ था उसमें वो टर्बो को लेके, तो वो टर्बो रनिंग में मतलब कि टूट गया था 20 में से होके, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे देखो इसका लोहा का पार्टिकल हम लोगों को मिला, ठीक है। और ये होस पाइप को खोलो ऊपर वाला, तो जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं, देखो लाइट दिखाओ अंदर भाई, जैसे नहीं लाइट दिखाओ, हाँ ये देखो यहाँ पे स्क्रैच देखो टर्बो का अंदर, ये बॉडी में स्क्रैच दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये टूट गया, टूट के साइड में पड़ा हुआ है, देखो टर्बो ये देखो टूट गया टोटली, ठीक है। ये टूटने के वजह ऑयल नहीं आ रहा है अच्छा से यहाँ पे, तो ऑयल नहीं आने का रीजन भी आप हम लोग देखेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग ने दूसरा वाला टर्बो रेडी करके फिटिंग कर दिया गया है, तो वो टर्बो में क्या हुआ, वो भी मतलब लगाने के बाद सक्सेस नहीं हुआ, अभी धुआं मार रहा है पूरा। इसका किलोमीटर अप्रोक्सली 50,000 रनिंग हुआ है अभी, करीब करीब ये 3-4 साल का करीब का गाड़ी है ना, तो अभी इतना कम समय में मेगा का इंजन शट डाउन होना इतना इजी बात नहीं है, 2 से 3 लाख किलोमीटर तो चली जाता है कोई भी डीजल इंजन। अभी 50,000 में इसका इंजन खोलने जा रहा हूँ, टाटा का सुपर, टाटा का मेगा, ठीक है। तो ये खोल के अंदर में इसका कंडीशन जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और इसका कंप्लीट इंजन में क्या प्राइस आता है, क्या क्या चेंज करने में, वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही हम लोगों ने इसका हेड खोला, हेड को खोल के अंदर देखा, तो इसका ये आप देख सकते एक प्लम्बर का पिस्टन का कंडीशन, हेड का कंडीशन, ये प्रॉपर काम कर रहा है, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा ऑयल ऑयल है, तो देखेंगे इसका क्या होता है अंदर का, इंजन का कंडीशन, रिंग का कंडीशन। प्ले दिखाओ ब्लॉक का, ये देखो प्ले इतना खा गया रिंग, पूरा वो वाला दिखाओ, इस पूरा प्ले है, चलो पूरा इंजन ही खोलना पड़ेगा। अभी इसमें अंदर में क्या क्या चेंज किया जाएगा और ये सब चेंज करने में कितना खर्चा मतलब इस्टीमेट आता है, वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और ये बनाने का टाइमिंग और हेड बिठाने का तरीका भी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये बहुत छोटा सा इंजन है लेकिन बनाने का जो कंडीशन जो है वो मतलब सुपर अच्छी, मीन इधर से इधर दिखाओ, इधर आप देख सकते हैं इसका भी इंजन खोल के रखा हुआ है, तो इसका भी जो इंजन है ना इससे भी डेंजर ये इंजन है, छोटा हो सकता है, ये 2 सिलेंडर का है, ये 3-4 सिलेंडर का है, लेकिन उससे डेंजर ये है, तो इसका कंडीशन जो मैं आप लोगों से शेयर करते जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसको खोलने में ना, ये खोलने में ही टूट गया, देखो बोल, ठीक है, खोलने में टूटा हुआ है, टाइट करने में टूटा हुआ नहीं है, ये खोलने में टूटा हुआ है, यही है ये टाटा का मेगा का कंडीशन। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंजन को डिसेंडल करते गया, ठीक है, अंडर में बहुत सारा वीक पॉइंट हम लोगों को मिला, तो खोलते खोलते इसका जो कंडीशन है टोटली फाइनल, सो फाइनली कंप्लीट है मेगा का इंजन डिसेंडल करना। तो इसका सबसे पहले तो पिस्टन का कंडीशन देखते हैं, ये पिस्टन ये साइड देखिए पूरा गल गया है, ठीक है, ये गल गया है, रिंग का इतना प्ले नहीं है, रिंग का इतना प्ले नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिंग जो है बैठ गया है, ये गल गया है, ठीक है, तो इसलिए अंडर में ब्लॉक में प्ले दिखा रहा था, ठीक है, तो दोनों साइड का कंडीशन सेम बराबर है, ठीक है, ब्लॉक में डोर पूरा। और इसका लाइनर देखते हैं सबसे पहले, तो ये आप लाइनर देख सकते हैं, ठीक है, ये खाया हुआ है, देखो अंदर में भी ये खाया हुआ है, इसलिए लाइनर चेंज करूँगा, स्टोन चेंज करूँगा इसका। और यहाँ पे एक जगह में हम लोगों को चीज मिला है, वो कौन सा मेटा, इसमें इसका बैलेंसर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्रैच है, देखो ये बियरिंग पकड़ा हुआ है, देखो ठीक है, इसका जैसे फ्रेश नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसको बैलेंसर का बियरिंग वगैरह सब चेंज किया जाएगा, क्रेंक चाहिए, क्रेंक पॉलिश करके इसके अंदर लगा दिया जाएगा, और मेन कनेक्टिंग बियरिंग, मेन बियरिंग ये सब चेंज किया जाएगा, बाकी हेड तो फुल बनाना पड़ेगा, बेल्ट गाइड शीट ये सब चेंज करना पड़ेगा हेड का, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, हेड तो फुल बनाया जाएगा, बाकी जो है सब चल जाएगा, बाकी कंप्लीट गास्केट सेट लूंगा, और बाकी इसमें जो लगता है पिस्टन चेंज करेगा, लाइनर चेंज करेगा, बियरिंग और रिंग, ठीक है, ये सब भी मेजोरली चेंज करेगा, चेंज करूंगा, बाकी सामान तो ये सब भी लग जाएगा, इतना अमाउंट नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है ना, बाकी क्योंकि रनिंग कंडीशन में खोला है, मेनली पिस्टन की वजह से खोलना पड़ा है,
ठीक है। तो बाकी इसका क्लीन करने का जो कंडीशन जो है, ये क्लीन करने का जो कंडीशन जो है वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इंजन बनाना तो कोई भी बना लेता है, और तरीका से बनाना जो चाहिए वो चीज़ मैं आप लोगों से शो करूंगा, और इसका क्लीननेस और बेयरिंग किस तरह से फिटिंग किया जाता है वो सब भी मैं आप आगे दिखा जाएगा, ठीक है। और इसका वीडियो लंबा होगा बोल के हम लोगों ने वीडियो को थोड़ा स्पीड किया। हम लोग 3 से 4 आदमी मिल के करीब करीब 6-7 घंटा कंटिन्यू इसको सर्विसिंग में हम लोग पूरा एंगेज होके रहा। डीजल से कम सफाई होता है बोल के हम लोग स्पेशली केरोसिन से इसको धो रहा हूँ। बटन वगैरह जो धोने का जो एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे होने से करने से हो गया, ये जो स्टील वाले धो रहा हूँ, चमक जो है बटन जैसे चमकता है वैसे चमकना चाहिए बस। देख सकते हैं करीब करीब अभी 7:40 करीब करीब बज गया अभी, आप देख सकते हैं ये अभी करीब ये दोपहर का 2-3 बजे से करीब हम लोग क्लीनिंग का सफाई का काम चल रहा था इसका मेघा का, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं पूरा चमका के रखा हुआ है, कल जाके सर्विसिंग में पानी मारेगा, इसके बाद इसका जो आगे का प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा चमका के रखा गया है, ठीक है। देखो हम लोग मेहनत करता है पूरा, मेहनत से मतलब जी जान लगा के करता हूँ, इसलिए मतलब कि थोड़ा सा प्रोफेशनल हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ, बात वही है। और आपका ये बेयरिंग देख सकते हैं, बेयरिंग चेंज कर दिया गया है, बेयरिंग जेन्युइन है, आप देख सकते हैं इधर आओ, स्टैंडर्ड है, क्या कंपनी है, दिखाई दे रहा अच्छा से। ये आप देख सकते हैं मेन बेयरिंग कांटिंग बेयरिंग सब नया है, मेन चीज़ को लेके कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन ये घसके लेने का वजह टाटा का अगर जेन्युइन में से अगर लिया लेना चाह तो मतलब जितना भी इसका नारीपुरी है सब लेते लेते बहुत अमाउंट आ जाता है, तो ये सब में मेन घसकेट टाटा का ले लिया हेड गास्केट, बाकी जो है दूसरा मार्केट का ले लिया, इशू नहीं है, चल जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्रैंक ऑलचिल कैम ऑलचिल ये टाटा का जेन्युइन है, जहाँ जेन्युइन यूज़ करना चाहिए वहाँ पे जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। इसका क्लासी प्रेशर प्लेट भी जेन्युइन है, आप देख सकते हैं इधर दिखाओ, टाटा का जेन्युइन है, इसका भी चेंज होगा, ठीक है। बेल्ट ऑलचिल वगैरह सब जेन्युइन है, टाइमिंग बेल भी लाया है इससे, ये भी जेन्युइन है। और इसका होस पाइप जितना भी है इसका सब नया लगा दिया जाएगा, क्योंकि होस पाइप से लेके बहुत सारा इशू मैंने फेस किया है, इंजन चीज होता है कभी कभार गास्केट चला जाता है, तो इसका कंप्लीट इंजन कर ही रहा है, तो इसका हेड गास्केट ये इसका पाइप जो है होस पाइप कंप्लीट चेंज किया जाएगा, ठीक है। अभी आगे का प्रोसेस देखते, सबसे पहले तो इसका ऑयल जेट फिटिंग कर दिया जाएगा अंदर, साइलेंसर में एक यहाँ पे पिन है, यहाँ पे भी एक मार्कर है, ये दोनों का मैच होना है बस, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी इसका ट्रांसमिशन लगाऊंगा, अभी अच्छा जो है ना ये आउट में,
सो फाइनली मैंने अभी क्रैंक का बोल्ट फुल टाइट कर दिया गया है, ठीक है। अभी क्रैंक का बोल्ट कंप्लीट होने के बाद अभी पिस्टन रिंग और पिस्टन का स्टेप में आएगा, आप देख सकते हैं। ये पिस्टन और कनेक्टिंग रोड फिटिंग करने का जो तरीका जो है वही चीज़ में शेयर करना चाहूँगा। ये जो ऐसे भी लगेगा, ऐसे भी लगेगा, ठीक है ना। कंडीशन जो ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। तो इसका एक्चुअल पोजिशन ये है, ये यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे जूम करो। ये कच हाइट जो है ना इसका कनेक्टिंग रोड का बियरिंग का, ठीक है। ये कच हाइट और ये कच हाइट मैच करना है, ठीक है। ये कच हाइट और ये कच हाइट उससे ऐसे घुसाना है, ठीक है। पिस्टन रिंग का गैप देखते हैं अभी, पिस्टन रिंग का गैप, ठीक है। ये गैप कितना क्या होता है वो पहले चेक करेंगे। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड ही है, मेरे को भी आ रहा है ना। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लाइन स्लिप भी स्टैंडर्ड है, रिंग भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर भी मैं डायरेक्टली इसको बिना क्लियरनेस चेक करके ठोकना सही नहीं सोचूंगा, तो इसके लिए मैं एक बार इसका क्लियरनेस जो है वो एक बार चेक करेंगे, ठीक है। एकदम मतलब जितना गैप होना चाहिए एक पूरे है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टॉप रिंग का है, ये आप देख सकते हैं। रिंग ऑयल रिंग बिठाने का सही कंडीशन लोकेशन जो है वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ये ऑयल का ये जो जॉइनिंग है वो चीज़ जो है इंजेक्टर का साइड में रखना है, ठीक है। जब ये इंजेक्टर का साइड में रखूंगा तो इसका ऑपोजिट चला जाएगा ये कट, ठीक है ना। तो इसका ऑपोजिट टू ऑपोजिट होना है, तो ये रिंग इधर चला जाएगा तो इसका ऑपोजिट इधर रखना पड़ेगा। तो ऑयल जेट इधर है, इंजेक्टर फायर इधर से कर रहा है, तो इसके लिए ये कट इधर रखना है ताकि ये चीज़ उल्टा चला जाए, ठीक है। और ये देखो इससे भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, मार्क लगा कंपनी का ब्रेन या लंबर वगैरह, ठीक है ना। वो चीज़ ऊपर साइड में रखना है, टॉप साइड में, ठीक है। तो फाइनली मैं इसका पिस्टन का फर्स्ट स्टेप, पिस्टन रिंग पिस्टन घुसाने का फर्स्ट स्टेप मैं अभी लेके आया हूँ अभी, ठीक है। पिस्टन लॉक, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग का ये बुशिंग नया है, बेयरिंग नया है, ठीक है। अभी इसका लाइनर भी इसका स्टैंडर्ड है। अभी नीचे जो ऑयल जेट आप देख सकते हैं अंदर, इधर दिखाओ ऑयल जेट है, ठीक है। इधर दिखाओ ऑयल जेट जिस साइड में है, देख जाओ उसी साइड में ये नीचे का डाउन रहेगा, ये कच साइड, ठीक है। इस तरह से घुसेगा, तो इंजेक्टर नीचे से फायरिंग कर रहा है, तो इसका ये साइड में इंजेक्टर है, टॉप रिंग ऑपोजिट में आएगा, ठीक है। और ऑल टॉप रिंग का ऑपोजिट में ये आएगा सेकेंड रिंग, और सेकेंड रिंग का ऑपोजिट में जाएगा ऑल रिंग, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इंजन में इसी कंडीशन में लुब्रिकेट करके घुसाना, ठीक है। सो फाइनली ये कंडीशन में मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि टोटली फुल कॉन्सेंट्रेट इसमें था फिटिंग करने में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, इतना ईजी भी नहीं है। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं फुल्ली इंजन को परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लगने से पार्टी को जो अमाउंट है वो 2 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए, मेरे को इशू नहीं है। मैं कुछ नहीं सोचता हूँ ये सब मैटर में, लेकिन इंजन जो है परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इंजन जो है बना नहीं सकता। लगने से 5 रुपया ज़्यादा 10 रुपया लग जाए, लेकिन इंजन जो है मतलब परफेक्ट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं काम को फोकस करके करने की कोशिश करता हूँ। कोई मैकेनिक भाई कर रहा है, देख रहा है तो चैनल को, उसमें मैंने जो जिस कंडीशन में इंजन को असेंबल करा है इसमें थोड़ा सा इधर उधर का वीक पॉइंट अगर दिखाई दिया तो कमेंट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से क्लासिक प्रेशर प्लेट नया और जेन्युइन डाल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अभी इंजन को गेयरबॉक्स के साथ अटैच कर दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग नीचे तरफ से उठाऊँगा, और गाड़ी का कंडीशन जो है आप ये देख सकते, थोड़ा उठा के रख दिया गया है आग लगा के। इस कंडीशन में नीचे से अंदर में घुसाऊंगा, इसके बाद ही ऊपर में लिफ्ट करके माउंटिंग को बिठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद ही ऊपर में हेड वगैरह एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करूंगा,
ये आप देख सकते हैं। हेलो हो गया ना, पोजीशन में आया ना, बढ़िया ठीक है। अभी जेक उठाएंगे रस्सी से टांग के ऊपर से माउंटिंग को पहुंचाऊंगा। बस ये आप देख सकते हैं टाटा का ट्रेन, उसका गास्केट लगा दिया गया है और ये इसका कंडीशन में ये हेड को बिठाऊंगा ठीक है ना। तो देखो हम लोग के पास लिप रैम वगैरह नहीं है असेंबल उठाने के लिए कंडीशन में, उस इस कंडीशन में ब्लॉक के ऊपर हेड बिठा दिया गया है। इसके बाद हेड को फुल टाइट करके टाइमिंग का प्रोसीजर रहेगा। और ये आप देख सकते हैं टाइमिंग का छोटा सा अपडेट, यहाँ पे एक केम साहब में लॉक है ठीक है, इसमें ये लंकी फंसा दिया गया है। और नीचे में जो है वो पुली में एक लॉक है, वो होल ठीक है, वो होल मिलाना है बस, बाकी जो तो टेंशन है ये डब्ल्यू में लाना है। बाकी मैं इसका वीडियो अलग से मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जो इंजन का एक पार्ट है तो मैं छोटा सा एक शेयर कर रहा हूँ ये ठीक है। बाकी हेड बैठ गया, टाइमिंग बैठ गया, फिर कवर लगा दिया जाएगा। नया टर्बो असेंबली टाटा का ओरिजिनल, इसका प्राइस हो गया आपका 13,115 रुपीस। पूरा एकदम असेंबली चेंज करेगा, मस्त है ये आप देख सकते हैं। कम्प्लीटली मोबिल इंजन इंजन ऑयल वगैरह डाल दिया गया है ठीक है। अभी स्टार्ट करने की कंडीशन में बैटरी डामिना वगैरह लगा दिया गया। अभी इसको रेडिएटर डिस्ट्रीब्यूटर ढालने के लिए, कूलेंट ढालने के लिए ये जो है मेघा का खोलना पड़ता है, इसको खोल रहा हूँ अभी। फिर चलते अभी ब्लीडिंग करूँगा, इसके बाद सेल मारूंगा डायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं ब्लीडिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, स्टार्ट ही हो गया। चलो ठीक है बढ़िया, ब्लीडिंग करने का जरूरत भी नहीं है, स्टार्ट ही हो गया। इंजेक्टर का कपलर खुला हुआ है इसलिए बंद है, अभी इंजेक्टर का कपलर लगा रहा हूँ। इंजन परफेक्शन किस तरह से हुआ है वो चीज़ अभी इसमें ही रिजल्ट आता है। कपलर लगा देगा, अभी स्टार्ट करते हैं विश्वकर्मा बाबा का नाम लेके। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। ये आप देख सकते हैं फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गया, स्मोक मार रहा है, फाइट स्मोक मार रहा है। ये तो साइलेंसर में जो धुआं जो है उसका वजह से ये जो स्मोक जो है वो फाइट स्मोक मार रहा है, ये चला जाएगा धीरे धीरे। अभी सबसे पहले तो पानी दे के गर्म करूंगा और लीकेज वगैरह चेक करूंगा। नीचे देखो सूरज दा क्या क्या लीकेज हो रहा है कि नहीं। एक ही सेल में स्टार्ट करने में नहीं इतना स्मूथली स्टार्ट हुआ कपलर लगाने का, और कपलर खोल के हम लोग ब्लीडिंग करने की कोशिश की, इसमें सेल मारा उसी में सेल में स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते ठीक है, जो भी मन लगा के और परफेक्शन और क्लीननेस के साथ करता हूँ ना वो स्टार्ट होगा ही होगा और 100% परफेक्ट होगा ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने, गाड़ी हीटिंग करके इसका परफॉर्मेंस क्या है वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा अभी। ये स्मोक भी नहीं है अभी तो फिलहाल। आप देख सकते हैं ब्लीडिंग करना पड़ेगा ना मनी, वहां पे पानी ब्लीडिंग करो, खोल दो गैस जमा होने से पहले। और गाड़ी को फ्री होने के लिए एक्चुअली हम लोग ने 8 से 9 घंटा करीब करीब स्टार्ट करके गाड़ी को छोड़ मतलब उसी कंडीशन में रख दिया गाड़ी को फ्री होने के लिए। और हीटिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं 50% तक नहीं आ रहा है ठीक है, 45% में है। तो इस तरह से गाड़ी को फ्री कर दिया गया। सो फाइनली इंजन कंप्लीट हो गया, अभी कल को ही रेडी हो गया गाड़ी ठीक है ना। तो कल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 2-3 ट्रिप पहाड़ के ऊपर हिल्स एरिया में आपने गाड़ी रनिंग करने दिया फुल लोड में पानी लेके ठीक है। इसके बाद ही
मैं अभी कंप्लीट होने के बाद 100% सक्सेस होने के बाद ही आप लोगों से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फाइनल वीडियो। देखो इसमें जो कूलेंट जो है वो डायरेक्टली ढालने से इसका क्या होता है, अंदर में जो ब्लीडिंग है ना वो ब्लीडिंग लाइन से होकर पानी कूलेंट जो है निकल जाने का चांसेस रहता है। तो इसका ब्लीडिंग करने का कंडीशन में सबसे पहले अंडर का जो निप्पल है ड्रेन नट वो चीज़ को खोल के रखना है। इसके बाद सबसे पहले 1 लीटर पहले कूलेंट डिस्टिल वाटर ढाल देना है, ठीक है। इसके बाद ही कूलेंट ढालना है, तब क्या होगा जो भी गिरेगा पहले पानी गिरेगा, जो ब्लीडिंग के साथ हवा एयर के साथ जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली कूलेंट ढाल देगा तो कूलेंट ही पहले निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले 1 बोतल पानी ढालूंगा, इसके बाद कूलेंट ढालूंगा। तो एक दिन तो पूरा कंटिन्यू ये गाड़ी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर में ही चलाने दिया, पानी में ही चलाने दिया, क्योंकि ऑयल लाइन ऑयल जो हम लोग ने इंजन फिटिंग करते समय जो ऑयल दिया जाता है वो सब क्या होता है वाटर लाइन में चला जाता है, ठीक है ना। वो सब क्या होता है कभी कभार अंडर में ऑयल मतलब कि एक गंदगी क्रिएट कर देता है, इसलिए एक दिन पहले रनिंग किया। अभी पूरा उसमें जो था वो ड्रेन कर दिया और नॉर्मली हम लोग का नॉर्मल पानी से ढाल के सफा के दो बार डाउन कर दिया गर्म करके गाड़ी। फाइनली हम लोग कूलेंट डालने जा रहा हूँ, अभी फाइनली इसका एग्जैक्ट कंडीशन जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया मेगा का इंजन, ठीक है। सबसे पहले तो इसका परफॉर्मेंस जो है स्टार्टिंग कंडीशन जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और गाड़ी ये नहीं है कि आज ही इंजन कंप्लीट करके आज ही मैं कंप्लीट ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 दिन पहले गाड़ी रेडी हो गया था। तो हम लोग ने वीडियो नहीं बनाने के रीज़न एक्चुअल इसका रिजल्ट फाइंड आउट होने के बाद मैं आप लोगों से ये वीडियो बना रहा हूँ। 1 दिन पहले गाड़ी रेडी हो गया था, 2 दिन पहले गाड़ी कम्प्लीटली मार्केट में दौड़ने दिया है। एक्चुअली बहुत खरा आप पूरा मतलब भयंकर आप में ये पानी लेके जाता है, तो उसमें परफॉर्मेंस करने के बाद ही मैं इसको कूलेंट चेंज करने के बाद ही इसका जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग कंडीशन जो है मैं इसको करना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं अंदर लाओ थोड़ा, ठीक है। एकदम भयंकर मतलब वो 1 सेल पे स्टार्ट है, ठीक है आप देख सकते हैं ये, और हीटिंग का एकदम इशू नहीं है अभी फिलहाल। तो मैं अभी इसको बंद करके इधर अभी एक्चुअली इसमें जो काम किया गया है वो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा। पिस्टन चेंज कर दिया गया, पिस्टन रिंग चेंज कर दिया गया, लाइनर चेंज कर दिया गया, हेड वेल्व वेल्व ऑयल सील गाइड सीट ये चेंज कर दिया गया। हेड का हेड फेसिंग नहीं किया है, मेन बेयरिंग कांटिंग बेयरिंग स्टैंडर्ड है, मेन क्रैंक वही लगाया गया जो गाड़ी लग के आया। बाकी हेड गास्केट कम्प्लीट चेंज गास्केट चेंज किया, और बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा गास्केट लगता है वो तो आपने शायद वीडियो में देखा ही है आगे, वो चेंज किया। वो सब चेंज करके विद लेवर, और इसका टर्बो भी खराब था वो टर्बो भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उससे कंप्लीट लेट मशीन का और विद हम लोग का लेबर चार्ज लेके टोटल अमाउंट जो है 53,661 रुपीस दिया है। तो पार्ट्स हम लोग ने उठाया था 16,884 रुपीस का, और 13,000 टर्बो में गया, बाकी लेबर और इसका लेट मशीन का खर्चा एक्स वाई जेड पेट्रोल सर्विसिंग वगैरह का गया है। तो कुल मिला के इसमें अभी इंजेक्टर और हाई प्रेशर पंप बनाने का जरूरत नहीं था, वो पहले वाला हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर वही लगाया गया है इसमें, ठीक है। तो कंप्लीट इसका है अभी, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ 53,663, ठीक है। तो इसका जो है कंडीशन अभी तक 100% सक्सेस है, नो स्मोक, और गाड़ी पहाड़ में भी कोई हीटिंग वगैरह का इशू नहीं है। और आगे जाके किलोमीटर कितना रनिंग होता है इसका भी मैं अगर टाइम मिलने से अगर टाइमिंग मिल ना पाने से मैं इसका भी अपडेट दूंगा, ठीक है। तो मेगा का कंप्लीट हो गया इंजन, तो कोई भी चीज़ मन लगा के, और ज़रूरी बात ये है कस्टमर अगर फ्रेश कस्टमर अगर मिल होता है, जब क्लाइंट जो होता है हम लोगों का वो अगर ना मन में ना 1% में डाउट लेके जब आता है ना सक्सेस करने में दिक्कत होता है, मुझे ऐसे फीलिंग पर्सनल ओपिनियन है। ये जो कस्टमर है ये मेगा का जो ओनर है तो दुकान जब से खुला है तब से मेरा यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसमें इसका जो मतलब थिंकिंग ऑफ माइंड जो है ना बहुत फ्रेश है, मतलब जो करना है करो परफेक्ट होके देना है उस टाइप का है। तो ये सब पार्टी का भी मैं काम करने में 100% सक्सेस करके देने का दे पाता हूँ कर पाऊँगा बोल के भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो फाइनली रेडी है, और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम लोग बहुत टाइम निकाल के एडिटिंग वीडियो करता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे और नया इंजन या कोई वीडियो को लेके, ठीक है।